सड़क पर आ जाओगे अगर मैंने दस्तखत कर दिया तुम लोगों को डिसॉल्व करने के लिए जो प्रस्ताव मेरे पास है। नीतीश कुमार का अंदाज और शायद ये अंदाज, ये तरीका हम लोगों ने बहुत कम देखा है जिसे अहंकार के साथ बात करते हुए नजर आए। बहरहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंसाफ मांगने वाले सांख्यिकी सहायकों को धमका रहे हैं। इधर सुशासन की पोल नकल की शक्ल में सरेआम खुल रही है। आरा में खुलेआम चीटिंग की ऐसी तस्वीरें सामने आई कि लोग दंग रह जाए। कॉलेज की परीक्षा में नकल की ये तस्वीरें छिप कर नहीं बल्कि कॉलेज प्रशासन के सामने ली गई हैं। 1 सितंबर को वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में बीए पार्ट 1 का इम्तिहान चल रहा था। हमारी टीम को यहाँ खुलेआम नकल की खबर मिली, टीम पहुंची और कैमरा ऑन हुआ तो जो कुछ नजर आया वो आपके सामने है। लड़कियां खुलेआम गुरुजी की सरपरस्ती में नकल कर रही थी। इतना ही नहीं, गुरुजी ने जब देखा कि कैमरे में नकल की सारी तस्वीरें कैद हो रही हैं, तो उन्होंने छात्राओं को चेतावनी दी। क्या कहा, गौर से सुनिए। ये अपना चेतावनी के बावजूद नकल नहीं रुकी तो गुरुजी ने नकल का खुलासा होने पर खौफ भी दिखाया। अब भी नकल नहीं रुकी और गुरुजी को लगा कि छात्राओं ने कैमरा देखकर कलम रोक दी है तो गुरुजी ने इस बार खुलेआम नकल की छूट दे दी। कैमरा ऑन होने के बावजूद कह दिया कि बेफिक्र होकर अपना काम करो, यानी नकल करो। इस नकल को लेकर जब कुलपति अजहर हुसैन से बात की तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, लेकिन उप कुलपति ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा दिया। कहा कि पुलिस की तैनाती नहीं हुई इसलिए नकल नहीं रोकी जा सकी। सवाल ये है कि क्लास में मौजूद इम्तिहान दिलाने वाले टीचर नकल कराने के लिए हैं या रोकने के लिए। आरा से जयप्रकाश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।